आज हम पढ़ेंगे शराबबंदी आंदोलन। देखो इस तरह यह एक सामाजिक आंदोलन है। क्या हो गया था कि ब्रिटिश काल आते आते समाज में जो ये शराब जैसे या नशा हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग गया था। तो इसको हम आज पढ़ेंगे कि शराबबंदी के लिए क्या क्या आंदोलन होते हैं, किस तरह से आंदोलन होते हैं। यह एक ऐसा आंदोलन है जो कभी भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होता है। तो देखेंगे हम आज शराबबंदी आंदोलन। बात करते हैं हमारा ये जो राज्य है पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर प्राचीन काल से ही कुछ जनजातियाँ रहती है, जनजातियों की कुछ उपजातियाँ रहती है। जैसे जाड़ एक उपजाति आ जाती है भोटियाओं की, जाड़, वहीं पर हम बात करें सौका आ जाती है, ये भी भोटियाओं की एक उपजाति है। जौहारी भोटियाओं की एक उपजाति आ जाती है। यहाँ पर मारछा तोलछा आ जाती है, मारछा तोलछा तोलछा, ये कुछ उपजातियां आ जाती है, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक जाति या एक जनजाति हमारे पास आ जाती है, थारू थारू। अगर मैं इनकी बात करूं ऊपर की कुछ चार जो उपजातियां हैं भोटिया जनजाति की, तो ये जो जनजातियां ये हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, बर्फीली क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो बर्फीली क्षेत्रों में निवास करेंगे तो इनके द्वारा शराब का सेवन किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता था या किया जाता है, ठीक है, शराब का सेवन किया जाता था। इनका बनता भी था क्योंकि भाई पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, बर्फीली क्षेत्रों में रहते थे, तो बर्फ से या ठंड से बचने के लिए अपने अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए ये शराब का प्रयोग करते थे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई इनके द्वारा व्यापार किया जाता था, बेचते थे या दुकानें थी इनकी सरकार की जैसे शराब की, नहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए ही शराब का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते बढ़ते ब्रिटिश काल आते क्या हो जाता है कि शराब की दुकानें खोली जाती है। 1880 का हमारे पास एक सन आ जाता है, 1880 का हमारे पास एक सन आ जाता है। इस समय आपको पता है कुमाऊं कमिश्नर हमारे पास हेनरी रेमजे साहब आ जाते हैं। हेनरी रेमजे साहब के टाइम पे यहाँ पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हम कह सकते हैं या उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुलने लग गई, मतलब शराब का व्यापार होने लग गया, शराब का व्यापार होने लग गया। लेकिन जब यहाँ पर हेनरी रेमजे साहब कहते हैं, हेनरी रेमजे साहब के समय पर यहाँ पर शराब का व्यापार होने लग गया था, तो इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में आलोचनाएं होने लगती है, लोग इनके विरोध में आ जाते हैं, आंदोलन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कैसे भाई शराब का व्यापार नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा मात्रा में दुकानें नहीं खोल सकते। तो कहीं ना कहीं 1882 में इनका हेनरी रेमजे साहब का एक स्टेटमेंट आता है, इनका एक स्टेटमेंट आता है कि भाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी शराब का प्रयोग नहीं होता, होता है। और मुझे आशा है, कि ना कभी होगा, तो हेनरी रेमजे शराब से संबंधित एक अपना कथन देते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी अभी तक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का प्रयोग नहीं होता और न कभी होगा, मुझे ऐसी आशा, ऐसा हेनरी रेमजे अपना एक कथन देते हैं। शराब का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मुख्य स्टेशनों पर किया जाएगा। इनका मानना था कि भाई जहां पर छोटी मोटी बाजारें होंगे या जहां पर लोगों का या मैदानी क्षेत्र हम कह सकते हैं, इन स्तरों पर ही शराब की बिक्री होगी, न कि ग्रामीण क्षेत्रों में। धीरे धीरे शराब
शराब का प्रचार प्रसार होने लगता है, लोग शराब की ओर जाने लगते हैं, लोग नशा करने लगते हैं, तो आंदोलन भी होने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच हमारे पास एक्शन आ जाता है 1967 इस बीच 1965 से 1967 के बीच बहुत ज़्यादा मात्रा में आंदोलन होते हैं, शराब के विरोध में बहुत ज़्यादा मात्रा में आंदोलन शुरू होने लगते हैं। बहुत बड़े जो केंद्र थे जहाँ पर इसका विरोध अधिक मात्रा में हो रहा था, तो गढ़वाल के दो जिले आ जाते हैं हमारे पास। पौड़ी एडवांस जनपद होता था उस समय, क्योंकि ब्रिटिशों के अधीन होता था इस समय। अभी तो 1967 में तो यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, लेकिन इस अंग्रेजों के टाइम पीरियड में यह जो क्षेत्र होता था ब्रिटिश गढ़वाल के अधीन होता था, तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं आगे थे, मतलब विकसित लोग यहाँ पर रहते थे। यहीं पर पौड़ी हो गया, यहीं पर टिहरी आ जाता है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। इन जनपदों में शराब विरोधी का आंदोलन शुरू होने लगा, विरोध होने लगा जोरों से, इन क्षेत्रों में विरोध होने लग गया। धीरे धीरे सरकार क्या हो जाती है, विवश हो जाएगी सरकार और लागू कर देगी शराबबंदी लागू हो जाएगी। पहली बार राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में शराबबंदी की जाती है, और कहां पर की जाती है, इनके द्वारा सीमांत जनपदों में शराबबंदी कर देंगे, और सीमांत जनपद भी कौन कौन से, उत्तरकाशी आ जाएगा, यहीं पर दूसरा चमोली आ जाएगा, यहीं पर तीसरा पिथौरागढ़ आ जाएगा, ठीक है। इन तीन जनपदों में सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू कर दी जाती है। कब लागू की जाएगी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब वह कौन सी तिथि है जिस दिन सरकार के द्वारा शराबबंदी की गई थी सीमांत जनपदों में, तो ये डेट आ जाती 1 अप्रैल 1969 में शराबबंदी की जाएगी उत्तराखंड में पहली बार। और कहाँ पर, सीमांत जनपदों में, उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में शराबबंदी हो रही है। क्यों हुई थी 1965 से 1967 के बीच में बहुत ज्यादा आंदोलन होने लग गए थे शराब के विरोध में, केंद्र यही थे आपके पौड़ी टिहरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़, इन जनपदों में आंदोलन होने शुरू हो गए थे, ठीक है। 1 अप्रैल 1969 को तो यहां पर होता है, ठीक कुछ ही समय बाद 1970 को दो और जनपदों में शराबबंदी लागू कर दी जाएगी, और वो कौन से होंगे, पौड़ी और टिहरी में भी शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। कब, 1970 को, ठीक है। पांच जनपद हमारे ऐसे हो गए जिन पर सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू कर दी जाती है, ठीक। लेकिन यह बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलता, ज्यादा समय तक यह नहीं चलेगा कि शराबबंदी लागू कर दी गई। बहुत खुश हो गई थी हमारी जनता कि कहीं ना कहीं सरकार भी भाई काम कर रही है शराबबंदी के लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद 14 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना एक निर्णय सुना देती है, जो अपने निर्णय में कहती है कि भाई जो आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो शराबबंदी की गई वो अवैध है। तो सरकार के द्वारा की शराबबंदी को अवैध घोषित कर दिया था किसके द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। अच्छा प्रश्न बन सकता है, किस उच्च न्यायालय के द्वारा 1971 में जो आपकी शराबबंदी थी इसको अवैध घोषित कर दिया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए। बहुत खुश हो जाएगी यहाँ पर सरकार, तो सरकार
सरकार तो चाहेगी भाई, यहाँ पर सरकार तो यही चाहेगी ना कि शराबबंदी ना हो। क्यों चाहेगी? क्योंकि सरकार को तो टैक्स मिलेगा, सरकार को जितनी शराब बिकेगी उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ये भी चाहती थी कि शराबबंदी ना हो। शराबबंदी उनके द्वारा इसीलिए किया गया था क्योंकि दबाव हो रहा था जनता का। तो यहाँ पर सरकार खुश हो जाएगी और तुरंत एक नई नीति लेके आएगी जिसे आबकारी नीति। तो आबकारी नीति लेके आएगी जिसके तहत क्या करेगी, नए नए बहुत ज्यादा मात्रा में नए नए लाइसेंस जारी कर देते हैं। लाइसेंस जारी कर देंगे भाई, इससे पहले अगर 10 लोगों के पास लाइसेंस था तो 10 ही लोग बिक्री करेंगे, 10 ही लोगों की दुकानें होती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिए, बहुत ज़्यादा दुकानें खुलेंगी तो लोग क्या होंगे, दारू या शराब खरीदेंगे, तो समाज को तो नुकसान ही होगा। तो आबकारी नीति लाती है सरकार कब, 1971 के आसपास। समझना, आपसे एक प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, उत्तराखंड में किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी, आबकारी विभाग की स्थापना कब की गई थी, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आबकारी नीति लेके आते हैं जिसके तहत बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइसेंस जारी कर देंगे, इसके विरोध में फिर से बहुत बड़े बड़े आंदोलन होने शुरू हो जाते हैं कि भाई आपने जो यहाँ पर शराबबंदी की गई थी तो उसको उसके फिर से शराबबंदी लागू की जाए, सरकार के विरोध में फिर से लोग आगे आ जाते हैं। ठीक, अब एक डेट हमारे पास आ जाती है 20 नवंबर 1971 इसी साल टिहरी में बहुत बड़ा विरोध होता है। इस दिन 20 नवंबर 1971 में टिहरी में बहुत बड़ा विरोध होता है शराबबंदी के लिए, और यहाँ पर 20 नवंबर को लोगों के द्वारा गिरफ्तारियाँ दी जाती है, लोग गिरफ्तार होते हैं, सरकार फिर से झुकना पड़ेगा सरकार को, और फिर से क्या करेंगे, फिर से सरकार को झुकना पड़ेगा, और पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ जनपदों में फिर से सरकार के द्वारा शराबबंदी की जाएगी 1972 में पुनः शराबबंदी की जाएगी। और अब कितने जनपदों में की जाएगी, पांच जनपदों में शराबबंदी की जाएगी। 1969 में जो आपका 1 अप्रैल को हुआ था वहां पर आपका तीन जनपदों में सीमांत जनपदों में हुआ था, अब एक ही साथ 1972 में फिर से सरकार के द्वारा पांच जनपदों में शराबबंदी की जाती है। ठीक है, आपने इसी के साथ एक बहुत बड़ा नारा आपने सुना होगा, नशा नहीं रोजगार दो का नारा। ठीक है, नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब आता है, कैसे आता है, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यही नारा आंदोलन में परिवर्तित होता हो जाता है, नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन। तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ आंदोलन, क्योंकि ये जो नारा दिया गया था यही चेंज हो जाएगा किसमें, आंदोलन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे इस यह जो नारा था नशा नहीं रोजगार दो, कैसे कैसे ये आम जनता के मुंह में आ जाता है। इस समय बात कुछ इस तरह की होती है, ये इस आंदोलन की शुरुआत होती है नशा नहीं रोजगार दो, इसकी शुरुआत होती है शुरुआत। तो हमारे पास एक डेट आ जाती है 2 फरवरी 1984 को शुरुआत हो जाती है किसकी, नशा नहीं रोजगार दो का। गोली हुआ बस भीड़ा गुगोली वो बस भीड़ा नामक दो गांव होते हैं, अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ते हैं, अल्मोड़ा में दो गांव होते हैं,
घुगोली और बसवेड़ा इन गांवों से शुरुआत होती है। नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो के आंदोलन की शुरुआत घुगोली और बसवेड़ा गांव से होती है, अल्मोड़ा के ये गांव होती है। अच्छा, क्यों इसकी शुरुआत होती है समझना थोड़ा। बात कुछ इस तरह से हो गई थी 1 अप्रैल की, ठीक, इसके एक दिन बाद, जिस दिन आंदोलन शुरू होता है उससे एक दिन बाद, एक फरवरी 1984। यहां पर याद रखना, इस समय एक बहुत बड़ी संस्था या एक समिति थी जो शराब के विरोध में बहुत बड़ा काम कर रही थी, उत्तरांचल संघर्ष वाहिनी संस्था संगठन, उत्तरांचल संघर्ष वाहिनी सभा या समिति, जो भी आपको अच्छा लगे, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी समिति, ये बहुत अच्छा काम कर रही थी शराब के विरोध में, तो इनके द्वारा समाज में लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि भाई आप सब शराब की ओर मत जाएं, आप नशा की ओर मत जाएं, मतलब लोगों को प्रेरित किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा शराब से संबंधित जानकारी पहुंचाई जा रही थी, लेकिन शराब तो बंदी थी अल्मोड़ा वाले क्षेत्रों में, फिर भी इस क्षेत्र में किसी के द्वारा शराब बेची जा रही थी, शराब तस्करों के द्वारा शराब बेची जा रही थी। अब याद रखना, अल्मोड़ा में इनको सूचना मिलती है, किसको, उत्तरांचल संघर्ष वाहिनी समिति को सूचना मिलती है कि यहां पर शराब बेची जा रही है तस्करों के द्वारा। अब शराब किसके द्वारा बेची जा रही है, तो शराब बेची जा रही है आबकारी विभाग के द्वारा, मतलब स्वयं ही विभाग क्या कर रहा है, शराब की अवैध तस्करी कर रहा है। तो 1 तारीख को उत्तरांचल संघर्ष वाहिनी सभा समिति के द्वारा, 1 तारीख को, 1 फरवरी को उत्तरांचल संघर्ष वाहिनी समिति के द्वारा आबकारी विभाग की एक गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा शराब की पेटियां इनको बरामद होती है, ठीक है। इन लोगों को पकड़ेगी चौखुटिया बाजार, अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है चौखुटिया बाजार में, सीधे मुंह काला करके इन लोगों को घुमाएगी पूरे बाजार में, किनको, आबकारी विभाग के जो तस्करी होते थे, जो शराब को बेचा करते थे, अवैध रूप से बेचा करते थे, काला मुंह करके भगाएंगे सारे चौखुटिया बाजार में। एक और डेटा आ जाती है हमारे पास 7 फरवरी 1984। इसके बाद, मतलब 2 तारीख के बाद या 1 तारीख के बाद, उत्तरांचल संघर्ष वाहिनी समिति के बाद सभी शराब तस्करों के यहाँ पर स्वयं छापा मारेगी और बहुत सारे शराब तस्करों को पकड़ कर लाएगी, और 7 तारीख को फिर से इसी बाजार में, चौखुटिया बाजार में मुंह काला करके सभी को भगाया जाता है। तो ये था हमारा शराबबंदी आंदोलन, ठीक है। आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, टिंचरी माई का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इनसे संबंधित हम बात करेंगे, ठीक है। इनके लिए कहा जाता है शराब विरोधी का दूसरा नाम टिंचरी माई। क्यों इनको इस तरह के नामों से जाना जाता है समझना थोड़ा सा। सबसे पहले हम इनके नामों पर बात करते हैं। इनका नाम दीपा नौटियाल, इन्हीं को कहा जाता है आपका इच्छागिरी माई, इन्हीं को कहा जाता है टिंचरी माई, और इन्हीं को कहा जाता है ठगुली देवी। ठगुली देवी याद रखना, दीपा नौटियाल, इच्छागिरी माई इन्हीं को कहा जाएगा, टिंचरी माई इन्हीं को कहा जाएगा, और ठगुली देवी इन्हीं को कहा जाता है। ये ध्यान देना, अभी मैं सभी नामों पर बात करूंगा बाद में, क्यों इन्हें दीपा नौटियाल कहा जाता है, क्यों इन्हें इच्छागिरी माई कहा जाता है, क्यों इन्हें टिंचरी माई कहा जाता है, क्यों इन्हें ठगुली देवी कहा जाता है। तो इनके हर एक नाम के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है, बने रहेंगे आप लोग, समझना थोड़ा सा। पहले इसके जन्म की बात करेंगे कि जो आपकी दीपा नौटियाल, वास्तविक नाम होता है ना हमारा,
डॉक्यूमेंट्स जो नाम होता है वो इनका दीपा नौटियाल था। दीपा नौटियाल इनका वास्तविक नाम होता था, तो अभी तो हम दीपा नौटियाल ही बात करेंगे कि दीपा नौटियाल का जो जन्म होता है ना लगभग 1917 के आसपास हो जाता है। मंजूर कोई गाँव पड़ता है, मंजूर गांव में पड़ता है, थलीसैंण के आसपास पड़ेगा, पौड़ी में, थलीसैंण के निकट पौड़ी में मंजूर गांव में होता है। किसके घर में होता है अगर पिता पूछेगा, वैसे नहीं पूछता फिर भी याद रखो, पिता अगर पूछता है रामदत्त नौटियाल के यहाँ पर इनका जन्म हो जाता है 1917 के आसपास पौड़ी में। समझना थोड़ा, ये जो महिला है ना इस दीपा नौटियाल के साथ बचपन से ही घटनाएं होने शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि जब ये 2 साल की थी तो इनके माता का देहांत हो जाती है, ठीक 1 साल बाद इनके पिता का देहांत हो जाती है, इनका लालन पालन इनके चाचा के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये तो अलग स्टोरी है, हमको तो पहुँचना है कि इनके द्वारा शराब के विरोध में क्या कार्य किया जाता है। समझना, कहा जाता है कि इनका विवाह बचपन में ही गणेश राम के साथ किया जाता है। कोई व्यक्ति होता है गणेश राम, इनके साथ इनका विवाह हो जाता है, जो एक फौजी थे, मतलब हवलदार फौजी। गणेश राम के साथ इनका विवाह होता था हुआ था तो समझना थोड़ा सा, कहा जाता है कि जैसे ही इनका विवाह हुआ तो जो ये गणेश राम था ना, इनकी जो ड्यूटी थी या ये जो कहां पर तैनात थे, रावलपिंडी में ये तैनात थे। याद रखना, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो रावलपिंडी पड़ता है आपका पाकिस्तान में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हम तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, लगभग 1930 या 35 के आसपास की बात होगी। तो इस समय ये जो रावलपिंडी था भारत का पार्ट होता था, सारा पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही होता था भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्टेड थे आपके गणेश राम, तो जैसे ही इसका विवाह होता है दीपा नौटियाल का गणेश राम से, ये भी अपने पति के साथ रावलपिंडी पहुंच जाती है। और कहा जाता है, अच्छा आपसे एक प्रश्न है, यहां पर कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान देना कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, हो सकता है विश्व का हो या भारत से बाहर का कहीं का भी हो सकता है, कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, ठीक है। तो दीपा नौटियाल भी अपने पति के साथ यहाँ पर चले जाएगी रावलपिंडी में, लेकिन कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनके पति गणेश राम शहीद हो जाते हैं यहाँ पर। जब शहीद हो जाते हैं इनके पति गणेश राम, तो इसके द्वारा फिर संघर्ष किया जाता है, वापस आ जाते हैं। कुछ समय तक ये हरिद्वार में रहती है, इसी बीच इसके द्वारा कहा जाता है कि यह लाहौर में संन्यास ले लेती है। तो आपसे प्रश्न, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनेगा कहाँ पर संन्यास लिया, फिर भी याद रखना लाहौर में संन्यास ले लेती है, कौन, आपकी दीपा नौटियाल, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बाद में इसे क्यों इच्छागिरी माई कहा जाता है, समझना थोड़ा सा। बाद में हरिद्वार में अपना जीवन यापन करती है, उसके बाद ये संन्यास का मतलब ये इसके बाद न किसी से शादी करेगी, न ये अपने ससुराल में जाती है, न अपने मायके में जाती है। कुछ समय तक हरिद्वार कनखल क्षेत्र में रहती है, इसके बाद चले जाती है सिगड्डी भावर कोई क्षेत्र पड़ता है कोट द्वार के आसपास, पौड़ी में कोट द्वार है, यहाँ पर सिगड्डी नामक क्षेत्र में निवास करती है, घास फूस का अपना एक घर बनाती है। ये देखती है कि यहाँ पर की जो महिलाएं या ये जो क्षेत्र है सिगड्डी वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र बहुत परेशान है पानी के लिए, मतलब यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में किल्लत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ के जो निवासी हैं पानी की समस्याएँ से जूझ रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट से सहायता मांगती है, बड़े बड़े नेताओं के पास जाएगी सहायता मांगती है, लेकिन कहीं से भी इसको सहायता नहीं मिलती है पानी के लिए। सीधे निकल पड़ेगी महिला यहां से, महिला मतलब दीपा नौटियाल, सीधे निकल पड़ेगी यहां से दिल्ली की ओर, और दिल्ली की ओर भी सीधे इस समय जेएल नेहरू के घर में,
जेएल नेहरू का जो घर होता था इनके घर के सॉरी जेएल नेहरू का जो घर होता था इनके घर के ठीक सामने खड़ी हो जाती है, इनके बाहर आने का इंतजार करती है कि कब जेएल नेहरू घर से बाहर आए। तो जेएल नेहरू अगले दिन घर से बाहर आ जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू अगले दिन घर से बाहर आ जाती है, ये सीधे गाड़ी के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। जेएल नेहरू से अपनी सारी समस्याओं को बताती है कि भाई मैं पर्वतीय क्षेत्रों से पहाड़ से आई हूँ, ऐसे ऐसे हमारा एक सिगड्डी क्षेत्र कोटद्वार क्षेत्र है जहाँ पर पानी की समस्या है। मैंने डीएम तथा बहुत सारे नेताओं से इसकी बात कर चुकी हूँ कि भाई हमारे यहाँ पर पानी की समस्या को समाप्त किया जाए, आप ही इसके लिए कुछ कीजिएगा। तो जेएल नेहरू इन्हें पूर्ण आश्वासन देते हैं कि भाई जल्द ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आप आराम से घर जाइएगा और आपकी समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। होता भी ऐसे ही है, दीपा नौटियाल घर आ जाएगी और कुछ ही दिनों बाद इसके क्षेत्र में अर्थात सिगड्डी क्षेत्र में पानी की समस्या जो थी वो संपन्न हो जाती है, यहाँ पर घर घर पानी आ जाता है या पानी की समस्या को समाधान किया जाता है। ठीक है, एक दिन क्या हो जाता है, जो ये दीपा नौटियाल थी ना, ये है यहीं पर स्थित कोटद्वार के आसपास ही डाकघर में बैठी होती है, डाकघर के बरामदे में ये बैठी होती है दीपा नौटियाल, डाकघर के बरामदे में बैठी होती है, ये देखती है, कुछ सोच रही होती है बेचारी, ये देख रही होती है कि सामने एक शराब की दुकान है, मित्तल शराब की दुकान। इस मित्तल शराब की दुकान से लोग आ रहे हैं, शराब को ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब को ले रहे हैं मित्तल शराब की दुकान से। तभी एक युवा आ जाता है जो यहाँ से शराब लेता है, बैठ जाता है, आराम से शराब शराब खाता है, पीता है ना यहाँ पर। ठीक है, ये देखती है कि जो ये युवा है वहाँ से आ रही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उन्हें अपशब्द शब्दों का प्रयोग करता है जो शराब पी रहा होता है वहाँ पर। अच्छा, शराब को बोला जाता था उस समय टिंचरी। ये जो टिंचरी होती थी ना, ये एक शराब की ब्रांड होती थी, ब्रांड शराब की कई सारे ब्रांडे हैं, उन्हीं में से एक ब्रांड होती थी उस समय टिंचरी। तो ये जो युवा था टिंचरी पीकर वहां पर लोगों को या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, तो दीपा नौटियाल ये सारा दृश्य देख रही होती है, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता, रोध रूप देखने को मिलता है इनका इस समय। सीधे वहां से कहीं से मिट्टी का तेल निकाल के दुकान मित्तल दुकान में डाल देगी और सीधे शराब की दुकान को यहां से उड़ा देगी या जला देगी। इसके बाद जहां पर भी दीपा नौटियाल को शराब की दुकान देखने को मिलती है, सीधे शराब की दुकानों पर यहां पर जला देती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसके द्वारा इसके बाद शराब की दुकानों को जलाया जाता है। इसलिए इनको कहा जाता है शराब विरोधी का दूसरा नाम कौन, टिंचरी माई, या आप कहेंगे दीपा नौटियाल, या आप कहेंगे इच्छागिरी माई, या आप कहेंगे ठगुली देवी। तो शराब विरोधी का दूसरा नाम इन्हीं को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जहां पर भी ये शराब की दुकान देखती थी ना, सीधे जला देती थी, कौन, आपकी दीपा नौटियाल। लेके चलूंगा मैं आपको पहले पेज पे, क्यों इसको इच्छागिरी माई कहा जाता है, क्यों इसको टिंचरी माई कहा जाता है, क्यों इसको ठगुली देवी कहा जाता है, समझना थोड़ा सा। ठीक है, दीपा नौटियाल में हम बात कर चुके हैं कि इसका वास्तविक नाम हुआ करता था दीपा नौटियाल, इच्छागिरी माई इसका नाम कब पड़ा, तो संन्यास लेने के बाद इसका नाम इच्छागिरी माई पड़ता है, जब इसके द्वारा लाहौर में संन्यास लिया गया था उसी के बाद इसका नाम इच्छागिरी माई पड़ता है, याद रखना। तो पूछेगा प्रश्न कि दीपा नौटियाल का इच्छागिरी माई कब पड़ता है, तो संन्यास लेने के बाद इसका नाम इच्छागिरी माई पड़ता है। टिंचरी एक शराब का ब्रांड होता था, तो शराब की इस ब्रांड के विरोध में इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए थे, या बहुत ज्यादा दुकानियों को इसके द्वारा जलाया गया था, इसलिए टिंचरी उसी शराब के नाम, शराब के ब्रांड के नाम पर ही इसका नाम पड़ता है टिंचरी माई। ठीक है, ठगुली देवी, अरे भाई निकनेम होता है ना घर का नाम, हर व्यक्ति का लगभग घर का नाम होता है, तो इसका घर का नाम भी ठगुली देवी था, निकनेम था इनका ठगुली देवी, तो इनको घर में ठगुली देवी के नाम से जाना जाता था। तो ये थी इसकी कहानी और ये था हमारा शराब विरोधी आंदोलन। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।